हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे य यति से श षजम तक के वर्णों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं य। फर्स्ट वर्ण क्या है? य से होता है यज्ञ। हवन करते हैं ना, आपने कहीं पर देखा होगा ऐसा हवन करते मंदिरों में, तो य से होता है यज्ञ। य से क्या होता है? यज्ञ। य से और भी शब्द बनते हैं, जैसे य से होता है यात्रा। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं उसे कहते हैं यात्रा। य से होता है योगा। योगा तो सुना ही होगा, योगा करने से बॉडी फिट रहती है ऐसा कहते हैं। तो य से यज्ञ, य से यात्रा, य से योगा। ठीक है, अब अगले वर्ण पर आइए। अगला वर्ण है र। र से होता है रथ। देखिए र से होता है रथ। ऐसा रथ होता है जो हम टीवी में देखते हैं या ऐसे भी आपने कहीं देखा होगा। ठीक है, तो र से होता है रथ। र से होती है रस्सी और र से होता है रस। रस मीन्स होता है जूस। पीते होंगे ना, अभी अब गर्मी के दिन आएंगे तो जूस तो सभी को पसंद होता है। जूस को हिंदी में रस कहा जाता है, जैसे आम रस है ना, आम रस पीते हैं सभी, तो र से ये सारे शब्द होते हैं। इसके बाद जो वर्ण आता है वो होता है ल। कौन दिख रहा है आपको बताओ? बताइए कौन है ये? लड़की। ल से लड़की। ल से लड्डू। लड्डू किसे किसे पसंद है? सभी को पसंद है लड्डू, तो मीठे मीठे। ल से लड़की, ल से लड्डू और ल से लकड़ी। लकड़ी होती है ना, जिसके दरवाजे बनते हैं और लकड़ी का सामान, टेबल चेयर ऐसे सब बनते हैं, उसे कहते हैं लकड़ी। तो ल से भी और भी बहुत सारे वर्ण, बहुत सारे शब्द होते हैं। अब आता है व। व से होता है वन। वन मीन्स जंगल। ठीक है, व से वन। व से वायु। वायु मीन्स हवा, एयर। व से वस्त्र। वस्त्र मीन्स कपड़े, क्लॉथ। व से वर्षा भी होती है। व से वकील भी होता है। बहुत सारे शब्द होते हैं तो इसे कहते हैं व। क्या कहते हैं? व। व के बाद आता है श। श से होता है शलजम। ये देखिए, ये सब्जी आती है। श से होता है शलजम। ऐसा होता है शलजम, आपको दिखाई दे रहा होगा है ना। श से शलजम। श से शहद। शहद जो मीठा मीठा लगता है, मधुमक्खी के छत्तों में से निकाला जाता है, उसे कहते हैं शहद। और श से होता है शेर। शेर दिखा है पिंजरे में, खुला तो देख नहीं सकते शेर को, नहीं तो वो खा जाता है। तो श से क्या क्या होता है? श से होता है शलजम। श से होता है शहद। श से होता है शेर। और भी श से बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे शंख, वो मंदिरों में बजाया जाता है ना, बड़ा सा आता है और फूक लगाकर बजाते हैं, उसे कहते हैं शंख। और श से होती है शाखा, जैसे पेड़ों की वो पतली पतली डालियां निकलती है, उसे कहते हैं शाखा। श से होता है शीशा, कांच, मिरर, जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं। तो आइए अब हम ये सारे वर्ण लिखना सीखें। देखिए अब हम ये सारे वर्ण बनाना सीखेंगे। य से यज्ञ। यज्ञ कैसे, य कैसे बनाना है? यहाँ से ऐसे घुमाना और फिर ऐसे घुमाना और यहाँ से एक लाइन खींच देना, ये हो गया य। ठीक है, य के बाद आता है र। र से रथ या र से रस्सी। र के लिए बहुत इजी है, ऊपर वाली लाइन को टच करके ऐसे घुमा
गोला बना देना। ये हो गया व से वन। फिर आता है श से शलजम। श से शलजम के लिए आपको ऊपर वाली लाइन को टच करके एक छोटा सा गोला बनाना है और फिर यहां से ऐसे लेकर ऐसे, ये हो गया श से शलजम। अब देखिए एक बार पढ़िए, बोलिए य र ल व श, ठीक है ना। अब आप इस वीडियो को देखकर और प्रैक्टिस कीजिएगा और लिखने की भी